सब लोग फिर प्रभु के भवन में प्रभु को धन्य कहने के लिए आए हैं। आए आज प्रभु के वचन में हम देखेंगे यशायाह नबी का किताब उसकी 43 अध्याय का 11 आयत। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 43 वर्स 11। यहां लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। आज मेरा बोलने का शीर्षक ये है, एकमात्र उद्धार करता, द ओनली सेवियर, एकमात्र उद्धार करता, द ओनली वन सेवियर। प्रभु यहां उद्धार करता के विषय में हम देखते हैं, बाइबल में कह रहा है, और मैंने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता न था, इसलिए तुम ही मेरी साची हो, यहोवा की ये वाणी है। उसी की 11 और 12 आयत में प्रभु के वचन में बताया गया यशायाह के नबी का किताब। तो भाई बहन, आज हमारे जीवन में उद्धार करता और दूसरे कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और परमेश्वर ने कहा कि मैं ही एक परमेश्वर हूं और मेरे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। आज मनुष्य के लिए उद्धार करता की जरूरत है, आज कोई भी दूसरा उद्धार करता है नहीं। ये नबी हजारों वर्ष पहले नबियों ने, वक्ता बड़े बड़े दासों ने भविष्यवाणी किया कि ऐसा उद्धार करता दुनिया में आएगा और वो सारे मनुष्यों की पापों को क्षमा करेगा और वो कलवरी क्रूस पर लटकाया जाएगा। तो ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह में होकर पूरा हो रही है। ये सारी चीजें यीशु मसीह में, बाइबल में लिखा है कि उद्धार करता गधे पर बैठकर आएगा। लिखा हुआ जकारिया का किताब में 9:9 आयत में लिखा है कि वहां पर जब इस दुनिया में जो राजा आएगा वो गधे पर आएगा, गधे पर बैठ के आएगा बोलकर बताया। और नए नियम में जब नए नियम आप पढ़ते हैं तो वो बातें प्रभु यीशु, मत्ती का किताब 21 अध्याय का 7 आयत में, जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो सब लोग होसन्ना होसन्ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह छोटे गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में गया। तो इस प्रकार से हमें मालूम पड़ता है कि उद्धार करता एक ही है और वो है यीशु मसीह, उससे अलावा कोई नहीं आया उद्धार करने के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है वो कन्या कुमारी से पैदा होगा, कन्या कुमारियों से पैदा होगा, उसके कोई पति पत्नी करके नहीं पैदा होगा, वो कन्या से पैदा होगा। तो बाइबल में जो कन्या से पैदा होने वाला व्यक्ति पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था, वो कौन निकला? यीशु मसीह निकला। इसलिए वो उद्धार करता है, हमें जानना है उद्धार करता वही है। इसलिए आपको और मुझे जानना है कि वो उद्धार करता है, उसके छोड़कर कोई नहीं है। इसलिए बोला कोई पराय देवता नहीं है, कोई नहीं है। उस यीशु ने बोला, मैं ही यही समाचार लेकर आया हूं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, पहली यूहन्ना की किताब 4 अध्याय के 14 आयत में लिखा, पिता ने एक ही मात्र एक पुत्र को भेजा हो दुनिया में, वो उद्धार करता है। हालेलुया, वही है उद्धार करता। पिता ने एक पुत्र को भेजा, वही उद्धार करता बना हुआ है। केवल यीशु ही मार्ग है जो हमें उद्धार देता है, केवल यीशु ही मार्ग है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, उसके अलावा कोई है नहीं। इसलिए यीशु ही वो मार्ग है, हमें जानना है। यही बातें सीखने के लिए हम कलीसिया में आते हैं। बहुत सारे लोग उद्धार करता तो चमत्कार करने वाला होगा, उद्धार करता तो छुटका ऐसे मिराकल ऐसे और हमें हमारे बीमारियों को चंगा करने होगा, इसी में लोग आज पड़े हुए हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उद्धार करता कौन है। चर्च से आते हैं, जाते हैं, बहुत साल साल में आते हैं, लेकिन उन लोग अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है, अपने पहचान नहीं पाया कि उद्धार करता कौन है। इसलिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक चर्च से वो 10 चर्च चले जाते हैं, यहाँ चमत्कार हो रही है, यहाँ पर चंगाई हो रही है, यहाँ पर बड़े बड़े काम हो रही है बोलकर लोग चर्च छोड़ देते हैं।
लेकिन वो लोग चर्च में आकर कभी भी कौन है उद्धार करता उसको जानने का सीखने का कोशिश नहीं करते। यही गलतियां हो रही आज मसीह लोगों में, आज यही गलतियां हो रही है जिसके वजह से वो लोग अपने विश्वास में पीछे हट रहे हैं, अपना विश्वास तोड़ रहे हैं, कोई दूसरा जगह में जा रहा है, कोई इधर की कलीसिया तोड़ रहा है, अपने भावना में चल रहे, मन मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने कलीसिया में आकर उद्धार करता कौन है वो पहचान नहीं पा रहे। क्यों उद्धार करता आया है वो पहचान नहीं पाता, कौन है तेरा उद्धार करता पहचान नहीं पा रहे। दुनिया इसलिए इधर डामाडोल हो रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है पढ़ो प्रभु के वचन में कौन है उद्धार करता, जानो हम अपने जीवन में और प्रभु की आराधना करो। प्रभु के वचन में लिखा प्रेरित का किताब 5:31 में लिखा उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहराया और उसने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसी को किसको बोलो किसको यीशु मसीह को उद्धार करता ठहराया। या कोई कितने आया, पैगंबर आया, कोई नबी आया, कोई बहुत सारे लोग आए, यीशु को ही उस परमेश्वर ने परमात्मा ने उद्धार करता ठहराया और उसने अपने दाहिने हाथ में बैठाकर उच्च कर दिया। हर एक लोग अभी मुख से अंगीकार करेंगे, घुटने टिकेंगे और यीशु मसीह को प्रभु में जानेंगे क्योंकि वही है उद्धार करता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा फिलिपी का किताब उसका 3:20 में लिखा हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये स्वदेश अभी जिसने उद्धार करता जाना है उनको ये स्वदेश जो घर है ना, ये स्वदेश हमारा जो स्वदेश घर है स्वर्ग पर है। हम यहाँ के पराई है, यहाँ या तो कुछ दिन के लिए टेम्पररी है यहाँ पे, अभी पूछो जिसने जाना मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, अब उनको उनका घर स्वर्ग पर है। लिखा हुआ 20 में लिखा फिलिपी 3:20 में लिखा है और हम एक उद्धार करता मसीह प्रभु यीशु मसीह का है, हम एक ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए प्रभु भाई बहनों मेरा घर में छुटकारा आ गया, मैं बीमार से चंगाई हो गया, मेरे घर में आशीष आया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को विश्वास कर रहा हूं, नहीं, उद्धार करता मनुष्य जाति का उद्धार करता यीशु मसीह है। ये भावना में नहीं चलना, ये धोखा देगा आपको। आपको जब किसी से कोई बार कोई आदमी ठुकरा देगा, कोई आदमी बोलेगा कुछ बोलेगा तो आपको ठक्कर लग जाता है, उसके बाद विश्वास से बहुत सारे पीछे हट जाता है और विश्वास से अपने चर्च छोड़ते हैं, ऐसे हो जाता है बंदर। ये भावना में चलने वाले लोग है, इनकी कोई विश्वास नहीं है उद्धार करता पर। और ये लोग यहाँ आए कुछ दिन चंगाई पाया, जब चंगाई नहीं है वो छोड़ के चले जाएंगे, धोखा देंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहचाना नहीं मेरा उद्धार करता कौन है। चर्च तो आए किसके लिए आए, चर्च में वो पता नहीं है किसके लिए आए, क्या पता नहीं है चर्च किस लिए आए। इसलिए भाई बहन कभी भी अपने जिंदगी में अपने चर्च में आए हो तो उस उद्धार करता को जानो। और यानी उद्धार करता लुका की किताब 2:11 में मैंने पहले भी प्रचार कर रहा था, दाऊद के शहर में एक उद्धार करता का जन्म हुआ है, वो मसीह प्रभु यीशु है। हालेलुया, केवल वही है, इसलिए हमने उसी पर अपना भरोसा करना है। और तीमोथी का किताब 1:15 में लिखा यीशु इस दुनिया में आया है हर एक पापियों को छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए, चंगाई करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया है, आपने और मुझे जानना है। और प्रेरित का किताब 13:23 में भी लिखा, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 13:23 में लिखा इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजरायलियों के पास एक उद्धार करता भेजा गया है। आमीन। परमेश्वर ने इसी के वंश मतलब दाऊद के वंश से